एक्साइज पॉलिसी घोटाले को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 5 दिन की रिमांड पर है। इस बीच तेलंगाना के एक बीजेपी नेता ने विपक्षी दलों में इस वक्त मजबूत बनकर उभरी पार्टी बीआरएस के एमएलसी और पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का इस केस में नाम लेते हुए बड़ा दावा किया है और कहा है कि सिसोदिया के बाद अब के कविता भी गिरफ्तार होंगी। इस दावे का आधार क्या है? तेलंगाना में इस साल चुनाव होने वाले हैं, तो क्या इसका चुनाव से भी कोई कनेक्शन है? सिसोदिया के कविता का क्या कनेक्शन है? दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले की जांच की सिफारिश उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जुलाई 2022 में की थी। तब से लेकर अब तक कई कनेक्शन जुड़े, आधे दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। पंजाब, गोवा, साउथ के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और भी कई राज्यों के तार इस पॉलिसी से जुड़े पाए जाने के आरोप है। भाई, अब सिसोदिया के बाद गिरफ्तारी की तलवार बीआरएस एमएलसी के कविता के ऊपर लटक रही है। तेलंगाना के बीजेपी नेता जी विवेक वेंकट स्वामी ने दावा किया कि संभव है आगे स्कैम से जुड़े और गिरफ्तारियां होंगी। साथ ही बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता भी अरेस्ट होंगी। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि बीआरएस लीडर ने आम आदमी पार्टी को पंजाब और गुजरात इलेक्शन के दौरान 150 करोड़ रुपए दिए थे। इस दौरान विवेक वेंकट स्वामी ने यह भी दावा किया कि बीआरएस आने वाले दिनों में तेलंगाना में अपना स्टैंड खो देगी। बीजेपी नेता ने कहा कि जिस टीआरएस ने नो फंड से पार्टी की शुरुआत की थी, उनके पास आज के वक्त में देश के बाकी राजनीतिक दलों से ज्यादा डिपॉजिट्स है, इसे फंड भी कह सकते हैं। बीजेपी नेता का सवाल था कि इतना पैसा आया कहां से। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि केसीआर ने जनता को किए वादे नहीं पूरे किए, उन्हें दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपना स्टैंड पूरी तरह खोना पड़ जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं के कविता और सिसोदिया केस के कनेक्शन की। दिल्ली शराब घोटाले में बीते समय कई गिरफ्तारियां हुई, जिनमें हम बात करेंगे दो गिरफ्तारी की। एक हैदराबाद के सीए बुच्चू बाबू गोरंटाला, जो तेलंगाना सीएम की बेटी के ऑडिटर भी थे। दूसरा मंगूटा राघव, जो वाईएसआरसीपी के एमपी मंगूटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे हैं। ये आंध्र प्रदेश की पार्टी है, दोनों तेलुगु भाषी राज्य है। तेलंगाना सीएम की बेटी की मुश्किलें तब बढ़ी जब उनका नाम रिमांड डायरीज और स्टेटमेंट्स में सामने आने लगा। पिछले साल उनको सेंट्रल एजेंसी सीबीआई ने तलब किया था, उन पर कथित रूप से रिश्वत लेने जैसे आरोप भी लगे। ईडी ने घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी एमएलसी कल वकुंतला कविता को नामजद किया था। ईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में दावा किया कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की मुख्य आरोपी विजय नायर, जो अब गिरफ्तार हो चुका है, उसने कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली साउथ लॉबी से, जो के कविता और मंगुता श्रीनिवासुलु रेड्डी और शरत रेड्डी से कनेक्टेड बताई जाती है। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि नए एक्साइज पॉलिसी के बनने और उसके इम्प्लीमेंटेशन दोनों में गड़बड़ियां थी। इससे आपसे जुड़े कुछ खास लोगों को फायदा हुआ। सीबीआई ने जांच में पाया कि नई पॉलिसी में लेकर होलसेलर का प्रॉफिट मार्जिन 5 से 12% तक बढ़ाया गया, जिसमें साउथ लॉबी का हाथ था, जिसमें कुछ नेता तो कुछ बिजनेसमैन शामिल थे। आरोप है कि पॉलिसी के लागू होने से पहले से लेकर बाद तक इन कुछ खास लोगों का अहम रोल था। इस साउथ कोटल को घोटाले में रिश्वत से फायदा हुआ था, इसमें अधिकारी से लेकर नेता, ट्रेडर्स सब शामिल थे। सीबीआई का आरोप है कि के कविता के पूर्व ऑडिटर बुच्ची बाबू ने मामले में साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट किया। इसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद समेत कई मीटिंग्स में उनकी मौजूदगी सीबीआई को मिली। दिल्ली सरकार पर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाकर रिश्वत लेने के आरोपों के बाद वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसी के बाद आप सरकार ने विवादित एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लिया था। इस साल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में पार्टी ने अपनी तैयारियों के लिए जोर लगा दिया है। वे 2024 से पहले केसीआर एक नेशनल फेस बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले चुनाव में चैलेंज करने वाले दमदार विपक्षी उम्मीदवारों में से एक केसीआर भी है। ऐसे में के कविता अगर आगे गिरफ्तार की जाती है, तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले ये राज्य में पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फिर दूसरी तरफ इसका असर केसीआर की साख पर भी पड़ेगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।